हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बजाज पल्सर RS 200 के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। देखिए दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि भैया इंडियन मार्केट में ऑलरेडी भैया बाइक्स जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, मतलब बाइक्स के बीच में बहुत सारा कॉम्पिटिशन है, काफ़ी सारी बाइक्स इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। तो फिर हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होने लगता है कि हमें कौन सी बाइक खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको RS 200 के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बताऊंगा, जिससे दोस्तों आप लोगों को ये जरूर समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को RS लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या उसके कंपैरिजन में अलग बाइक लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोज अपडेट रह सकें। सो चलिए दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं RS 200 के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं RS 200 के प्राइस के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दोस्तों, प्राइस हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। दोस्तों, RS 200 एक्स रूम प्राइस अराउंड 171,000, एक लाख इकहत्तर हज़ार रुपये के आसपास की एक्स रूम प्राइस देखने को मिलती है। बात कर ले दोस्तों इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो उससे पहले आपको मैं क्लियर कर दूँ, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO इंश्योरेंस चार्जेस में फ़र्क होता है। RS 200 हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में अराउंड 203,000 रुपीज़, 203,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। अब आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में दोस्तों RS 200 का क्या ऑन रोड प्राइस, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के सबसे पहले एडवांटेज के बारे में, उसके बाद बाइक के डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, RS 200 में आज भी आपको सबसे पहला जो एडवांटेज मिलेगा वो मिलेगा बाइक की पावर एंड पिकअप। देखिए, आपको बताया कि भले ही RS 200 के कंपैरिजन में काफ़ी सारी बाइक इंडियन मार्केट में आ चुकी है, नो डाउट R15 RS 200 से बहुत ज़्यादा बेहतर बाइक है, लेकिन दोस्तों मैं ये बोलना चाहूँगा कि RS 200 की जो पावर है ना भाई, उस पावर को R15 बीट नहीं कर सकती। RS 200 में आपको 24.5 के आसपास की PS पावर आती है, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट पावरफुल मशीन हो जाती है 200cc में इंडियन मार्केट। देखिए, RS 200 जो है ना, भले ही आपको थोड़ी सी मतलब बल्कि लगे, फीचर्स वाइज थोड़ी सी कम लगे, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज आज भी मुझे लगता है कि RS 200 अपने सेगमेंट की काफ़ी अच्छी बाइक है। क्योंकि दोस्तों ऑब्वियसली बात है, इस बाइक में आपको जो इंजन टेक्नोलॉजी मिलती है, बजाज का जो रॉ इंजन मिलता है, वो आपको कोई और ब्रांड प्रोवाइड नहीं कर सकता। और ऑब्वियसली बात है दोस्तों, बजाज एक इंडियन ब्रांड है, तो इंडियन ब्रांड के हिसाब से बजाज जो है काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों RS 200 में आपको सबसे पहला जो एडवांटेज मिलेगा वो मिलेगा इस बाइक की पावर। और जब भी हम स्पोर्ट बाइक लेने की सोचते तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है उस बाइक की परफॉर्मेंस। तो सबसे पहला एडवांटेज है इस बाइक की परफॉर्मेंस। बात करें इसके नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में दोस्तों, तो है इस बाइक का इंजन। देखिए, इंजन में हालांकि काफ़ी सारे एडवांटेज है, लेकिन यहाँ पे जो मेजर एडवांटेज है वो है बाइक के इंजन की स्मूथनेस प्लस क्वालिटी। देखिए, एक टाइम था कि जो कि हम हमेशा कहते थे कि भैया जो बजाज का इंजन है उसमें बहुत जल्दी प्रॉब्लम आती है, इंजन आवाज करने लगता है, लेकिन वाकई में मानना पड़ेगा बजाज वालों ने BS6 में अपनी बाइक्स को इतना ज्यादा सुधारा है, इतना अच्छा इन्होंने अपने इंजन को किया कि आज आपको RS 200 के इंजन में कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं होगा, इवन आपको बाइक में कोई भी इंजन की प्रॉब्लम नहीं होगी। जी दोस्तों, कोई भी वाइब्रेशन प्लस इंजन क्वालिटी जो है बजाज ने इस बार काफ़ी अच्छी तरीके से दिया है बाइक में, कोई भी आपको ऐसा इशू नहीं आने वाला। तो ये भी एक बाइक का काफ़ी अच्छा एडवांटेज आपको बाइक में मिल जाता है। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक का लुक। देखिए, आपको बताएं कि आजकल बहुत ज़्यादा मॉडर्न जनरेशन की बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च होती जा रही है, लेकिन दोस्तों आज भी मुझे लगता है कि RS 200 का जो लुक है ना भाई, वो कई बाइक से ज़्यादा बेटर है। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि RS 200 का जो लुक है, बजाज अगर चाहे तो इस बाइक को ना भाई इतना और बेहतर बना सकता है थोड़े अपडेट करके, जिसकी कोई हद नहीं है। आपको बताया कि इस बाइक में फ्रंट में आपको डुअल प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिलती है, इस वजह से दोस्तों बाइक का जो लुक है ना, उसमें चार चांद लग जाते हैं। और भाई मैं पर्सनली बता रहा हूँ, फ्रंट जो लुक है ना इस बाइक का, आज भी आपको बता रहा हूँ कि R15 से बहुत गुना ज़्यादा बेटर लगती है, बहुत प्यारी लगती है RS 200 फ्रंट से मुझे। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये बाइक का बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्या आप लोग भी बात मानते हो तो कमेंट करना। बात करें नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में दोस्तों, तो है इस बाइक की लाइट। देखिए, आपको बताया कि इस बाइक में आपको प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिलती है।
और आपको बता दूं कि RS-400 में जब से प्रोजेक्टर लाइट आ रही है तब से इंडियन मार्केट में प्रोजेक्टर लाइट को कोई जानता ही नहीं था कि क्या होता है प्रोजेक्टर लाइट। तब से बजाज वाले अपनी RS में प्रोजेक्टर लाइट दे रहे हैं और इस बाइक की लाइट की जो विजिबिलिटी ना आपको काफ़ी तगड़ी देखने को मिलेगी। तो ये भी एक बाइक का जो है काफ़ी बड़ा एडवांटेज आपको बाइक में मिल जाता है। बात करें दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में तो है दोस्तों बाइक का कंफर्ट। देखिए आपको बताएं कि जितनी भी रेसिंग स्पोर्ट्स बाइक्स होती है मतलब जो फेयरिंग बाइक्स होती है ना वो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन RS-400 की जो हैंडलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अप है यानी कि ऊपर है। तो ऊपर होने की वजह से क्या होता है दोस्तों कि ये बाइक ना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। एक फेयरिंग स्पोर्ट बाइक होने के बावजूद आपको काफ़ी कंफर्टेबल राइड मिलेगी। अगर आप इसमें लॉन्ग टूर करना चाहें तो इजिली आप इसमें लॉन्ग टूर कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा एडवांटेज आपको RS-400 में देखने को मिलेगा। बात करें नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में तो है दोस्तों मेंटेनेंस कॉस्ट। देखिए अब आप लोग भी जानते हैं मैं भी जानता हूं कि भैया जब भी हम स्पोर्ट्स बाइक लेने की सोचते हैं, जब हमें मिडिल क्लास पर्सन है भाई हम स्पोर्ट्स बाइक लेने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक सवाल आता है कि भैया मैं इस बाइक को खरीद तो लूंगा, आज चलो मैं इस बाइक को खरीद लेता हूं, लेकिन इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना करना पड़ेगा, मतलब मेंटेनेंस में इसे कितना खर्च करना पड़ेगा। और घर के बड़े बुजुर्ग आपको बताए कि कहावत है भैया हाथी खरीदना तो आसान है लेकिन हाथी पालना मुश्किल है। कहीं ना कहीं ये जो बात है ना भाई वो सही भी है। इसलिए सही है क्योंकि दोस्तों ऑब्वियसली बात है भैया RS-400 जो है मेरे हिसाब से ना मेंटेनेंस कॉस्ट में काफ़ी अच्छी है क्योंकि एक इंडियन ब्रांड है, इसी वजह से इसमें आपको कम मेंटेनेंस लगेगा, कोई ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं लगेगा। तो बाइक की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम है। बात कर लें दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में तो है दोस्तों इस बाइक का माइलेज। अब आपको बताया कि दोस्तों आजकल पेट्रोल का जो प्राइस है वो कहां तक पहुंच चुका है, इतना ज़्यादा हो चुका है पेट्रोल का प्राइस कि क्या ही कहूं। लेकिन दोस्तों RS-400 में आपको जो आज भी मतलब माइलेज मिलता ना वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। आज इस बाइक में अराउंड 35 के आसपास का जो माइलेज है बाइक निकाल कर दे देती है। और भाई अपने पावर अपने सेगमेंट के हिसाब से जो 35 का माइलेज है वो कम नहीं होता, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी एक काफ़ी अच्छा एडवांटेज जो है इस बाइक में देखने को मिल जाता है। बात कर लें इस बाइक के नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में दोस्तों तो इस बाइक की ब्रेकिंग। जैसे आपको बताया कि RS-400 में डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों इस बाइक में डुअल चैनल ABS आता है, प्लस प्लेट साइज भी बजाज ने इसमें काफ़ी बड़ी यूज़ की गई है। तो प्लेट साइज की वजह से प्लस डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम होने की वजह से आपको बाइक की जो ब्रेकिंग मिलती है वो काफ़ी अच्छी मिलती है, तो आपको बाइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बाइक का ये भी आपको काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा एडवांटेज इस बाइक में मिल जाता है। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट एंड लास्ट डिसएडवांटेज के बारे में दोस्तों तो है बाइक का फीडबैक। अब भैया आपको पता है कि जब हम कोई भी बाइक खरीदने वाले हैं या कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सबसे पहले हम चार लोगों से पूछते हैं कि भैया वो चीज़ कैसी है, करेक्ट। तो भैया RS-400 का फीडबैक ऐसा है, मैं बोलना चाहूँगा आप किसी भी कंपनी से, अगर मैं सॉरी कंपनी बोलता यार, किसी भी मतलब उसके ऑनर से पूछेंगे ना तो आपको हमेशा बोलेगा कि RS-400 अपने सेगमेंट की बहुत अच्छी बाइक है। कुछ कमियां भी है लेकिन अपने सेगमेंट में आज भी ये बाइक आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, ऐसा वो भी आपसे कहेगा। बाकी आपको RS-400 कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैंने कोई एडवांटेज छोड़ा होगा तो आप वो भी कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं इस बाइक के कुछ डिसएडवांटेज के बारे में। आपको बताया कि भैया हर बाइक में एडवांटेज होता तो हर बाइक में कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज ज़रूर होता है। दोस्तों RS-400 में सबसे पहला जो डिसएडवांटेज मिलेगा वो मिलेगा कि इस बाइक में आप लोगों को गियर इंडिकेटर मिसिंग मिलता है, और स्पीडोमीटर आज भी आपको बाइक में एनालॉग विद डिजिटल मीटर देखने को मिलता है। देखिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि एनालॉग विद डिजिटल मीटर में कोई बुराई नहीं है, वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन कुछ फीचर है वो ऐड किए जा सकते हैं, जैसे कि गियर इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर और माइलेज इंडिकेटर। ये चीज़ें ऐड करके भी अगर इसके स्पीडोमीटर का दें तो फिर ये बाइक काफ़ी बेहतर हो जाएगी। जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है इस बाइक का ना वो है इस बाइक का सस्पेंशन। अब सस्पेंशन में ऐसा है दोस्तों कि इस बाइक में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज भी ना टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, और इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं आजकल भाई आपको पता ही है कि अपसाइड डाउन सस्पेंशन का जमाना है, तो बजाज वालों को थोड़ा सा इसमें भी ध्यान देना चाहिए। और बाइक का जो नेक्स्ट एंड लास्ट डिसएडवांटेज मुझे लगता है वो है भाई इस बाइक में क्लच। क्लच जो है आज भी आप लोगों को बाइक में नॉर्मल क्लच देखने को मिलती है, स्लीपर क्लच नहीं आता, और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों बजाज वालों को अब थोड़ा स्लीपर क्लच में भी काम करना चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।